अब जो समय आया है वो युद्ध का समय है, और उस युद्ध में उस मारुति को पराजित करने का समय। मारुति मेरे लाल, यहाँ आओ तो मेरे निकट। नहीं आऊंगा जब तक आप लोग मुझे सत्य नहीं बताओगे, जिसके कारण आप लोगों को इतने घोर संकटों का सामना करना पड़ा। राहु मेरे समक्ष उपस्थित हो जाओ, छुपना व्यर्थ है अब तुम्हारे लिए। ने कर्मों के न्याय में विलंब मत करो राहु, मेरे समक्ष आओ। बोलो किससे युद्ध करोगे तुम? मारुति, तुमने यहाँ आकर जो मुझे प्रसन्नता दी है ना, उसके लिए मेरा परम शत्रु होने के पश्चात भी मेरा मन तुम्हें धन्यवाद कहने को कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज यहाँ आकर तुमने मेरा स्वप्न साकार कर दिया है। इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी मुझे मारुति, इसी दिन की, कि तुम यहाँ आओ और मेरी माया के चक्रव्यूह में फंस जाओ। युद्ध करने आए हो ना तुम यहाँ मुझसे? युद्ध करने? बोलो किससे युद्ध करोगे तुम? तुम्हारी प्रसन्नता कोरा भ्रम है राहु, तुम्हारी कोई माया आज मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। दंड देने आया हूँ और दंड देकर रहूंगा। आज मेरे दंड से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा समय समाप्त हो गया राहु, जितना अत्याचार करना था वो कर लिया, अब तुम मुझसे अपने जीवन की भिक्षा मांगोगे राहु। मारुति, आज तुम्हारा जीवन राहु के हाथों समाप्त हो जाएगा। आज मैं तुम्हें अपने सूर्य ग्रहण के अधिकार हनन के अपराध का दंड दूंगा, और इस संसार को यह भी सिद्ध कर दूंगा, जो राहु के मार्ग में आएगा उसका विनाश होगा, तुम्हारी तरह विनाश। Yeah!
कर होगा, यहाँ से निकल जाना ही। आज तुझे दंड देकर ही रहूंगा, कितनी भी तू माया रच ले, दंड तो दूंगा ही दूंगा। पुत्र केसरी, हमारे विचार से अब हमें अंजन प्रदेश हेतु प्रस्थान करना चाहिए। हमारी प्रजा के नेत्र अपने महाराज के दर्शन हेतु व्याकुल हो रहे होंगे। पुत्र पिताश्री, अब मैं वहां का महाराज नहीं रहा, अपने दुष्कर्मों के कारण मैंने अपना राज्य राहु को दान में दे दिया है। ऐसे में मैं अंजन प्रदेश के सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? सिंहासन पर बैठने का अधिकार खो दिया है पिताश्री। नहीं नहीं पुत्र, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए पुत्र, आपने जो कुछ भी किया वो तो उस दुष्ट राहु की माया के वशीभूत होकर किया। हाँ महाराज केसरी, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। अपनी चेतना में ना रहकर किया गया कार्य ना तो पाप होता है ना अपराध, अतः चलिए अंजन प्रदेश महाराज। और हाँ, रही अंजन प्रदेश राहु को दान में दे देने की बात पुत्र, तो आप देख लीजिएगा, मारुति के दंड से वो नीच राहु स्वतः अपनी स्वेच्छा से आपका राज्य आपके चरणों में अर्पित करके जाएगा, आप देख लीजिएगा। जैसी आप लोगों की इच्छा। मारुति, तुम्हें यहां देखकर ये तो ज्ञात हो गया मुझे कि तुम अंतरिक्ष की भी यात्रा कर सकते हो, किंतु कोई बात नहीं, यहाँ मैं तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा राहु किस शक्ति का नाम है। कहां से आ गए? तुम मेरे वायु के प्रहार से तो बच गए, किंतु मेरे आदिदेव सर्प के विष से कैसे बचोगे? मेरा यह विष तुम्हें भस्म कर देगा, अभी और इसी क्षण। जय बजरंग बली, जय बजरंग।
बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। राहु, तूने अपने षड्यंत्रों के शूल से सबको लहूलुहान किया है, किसी एक को भी नहीं छोड़ा है तूने। सबका मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा सबको भंग किया है तूने। तूने मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया और मेरे प्रिय मित्र केसरी से युद्ध करवा दिया। तू मारुति का ही नहीं अपितु मेरा भी अपराधी है। बंदी बना लीजिए इस दुष्ट को। इसके चेतना में आने के पश्चात मैं इसे इसके प्रत्येक कर्म का दंड दूंगा। अपने माता पिता के साथ किए गए एक एक दुर्व्यवहार का आज मैं इससे प्रतिशोध लूंगा। अभी तो मैंने इसे दंड दिया ही नहीं है काका। आओ पुत्री। पुत्र, मेरे विचार से हमें कुछ देर यहां रुककर तनिक विश्राम कर लेना चाहिए। पुत्र, आपका सुझाव सही है। हमारी यात्रा बहुत लंबी है, हमें कुछ देर विश्राम कर भोजन इत्यादि ग्रहण करने के पश्चात पुनः यात्रा भी प्रारंभ कर लेंगे। देवी, आप यहां विश्राम कीजिए, तब तक हम फल इत्यादि की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, उस ओर चलते हैं पुत्र, तुम यहीं रुको। इस निर्जन मन में ये क्रंदन कैसा प्रतीत होता है? कुछ स्त्रियां हैं जो कष्ट में हैं। मुझे उन दुखियारों की सहायता करनी चाहिए। ये क्या, यहाँ का दृश्य तो विचित्र है। ये तो ऋषि पत्नियां हैं, नदी में शिवलिंग प्रवाहित कर रही हैं और विलाप भी कर रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि शिव की पूजा करते समय ये लोग क्रंदन कर रहे हैं।
परंतु क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? इनकी पूजा अर्चना के विधि विधान को देखकर तो ये सिद्ध होता है कि ये भगवान शिव की भक्त है, किंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा करते समय ये रो क्यों रही है। ऐसा कौन सा संकट है इन ऋषि पत्नियों के जीवन में? कुछ तो रहस्य अवश्य है, ज्ञात करना होगा मुझे इस रहस्य को। मारुति, तुम्हारी एक अपराधीन ये भी है। बहुत अपमानित किया है तुम्हारी माता को इसने, बहुत ही दुर्व्यवहार किया है इसने उनके साथ। देवी, आप एक स्त्री हैं, एक स्त्री तो त्याग, ममता एवं प्रेम की मूरत होती है। सर्वश्रेष्ठ स्थान है स्त्री का संसार में, उसी से मर्यादाएं बनती हैं एवं वही मर्यादाओं को तोड़ने का कारण भी बनती है। जब वो अपनी मर्यादा के पथ से भटक जाती है तब घात करती है, छल करती है। आप में भी मुझे एक माँ ही दिखाई दे रही है। मेरी माँ और आप में मुझे कोई अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रत्येक स्त्री के अंतर्मन में ममता का सागर होता है और जहाँ ममता वास करती है वही तो माँ का निवास होता है। अतः मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि एक माँ दूसरी माँ की ममता का अपमान कर सकती है। मारुति, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो क्षमा के भी योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। देवी, आप मेरी माता हैं, और एक पुत्र अपनी माता को कैसे दंड दे सकता है? मुझे पाप का भागी ना बनाएं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। मारुति, मैंने आपकी माता के साथ दुर्व्यवहार किया तथा आप मुझे उसी माता का स्थान दे रहे हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं मारुति, आपका हृदय बहुत विशाल है। मारुति, अब इसे क्या दंड देना है? मारुति, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने राहु को बंधक बना लिया और अब तुम उसे दंड दोगे? हा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 
नहीं मारुति, नहीं। तुम्हारा ऐसा सोचना और दिन में स्वप्न देखना दोनों एक समान है। क्योंकि राहु को कोई बंधक नहीं बना सकता। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में राहु को कोई दंड नहीं दे सकता। किसी में इतनी शक्ति नहीं जो राहु को दंडित कर सके। देख मारुति देख, हो गया मैं बंधन मुक्त। और अब मैं चला। राहु को बांध के रखने के जिस गर्व में तू चूर था, उसका परिणाम तो तू देख ही लिया ना मारुति। मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता, कोई नहीं। और मुझे कोई दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं दंड नायक हूं। इसीलिए अब तो तू मुझे दंड क्या स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। ठहरो मारुति, ठहरो। क्यों रोक रहे हैं काका, मुझे जाने दीजिए उसे पकड़ने। मारुति, तुम तो अभी उसे दंड दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां हैं। तीनों लोकों में से कहीं से भी उसे ढूंढकर ला सकते हो तुम। किंतु उनका क्या, वो लोग क्या करेंगे जिनके पास ऐसी शक्तियां नहीं है, जो कि साधारण निरीह प्राणी हैं। मैं कुछ समझा नहीं काका, आपके कहने का अर्थ क्या है? मारुति, राहु असुर प्रवृत्ति का है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, भविष्य में भी वो लोगों को संकट ग्रस्त करेगा, दंड देगा, दुख देगा, यातनाओं से प्रताड़ित करेगा। और साधारण निरीह प्राणी उस राहु का चाह कर भी किसी प्रकार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि तुम सच्चे अर्थों में उसे दंड देना चाहते हो, तो अपनी शक्तियों से किसी ऐसे शस्त्र का निर्माण करो जिसका प्रयोग साधारण प्राणी भी करके उसकी शक्तियों पर अंकुश लगा सके, जिसका लाभ साधारण से साधारण मनुष्य भी उठा सके। आप सत्य कह रहे हैं काका, अब मैं पूजा अनुष्ठान तथा मंत्रों की शक्तियों से एक ऐसे बाण का निर्माण करूंगा जो राहु की आसुरी प्रवृत्ति एवं विनाशकारी शक्तियों पर अंकुश लगा देगा, जिसके द्वारा साधारण से साधारण मनुष्य भी राहु के त्रास से मुक्ति पा सकेगा। नारायण नारायण, क्या बात है राहुदेव, बड़े शीघ्रता में प्रतीत हो रहे हैं। इतनी तीव्रता से कहां चले जा रहे हैं आप? आपको इससे क्या, मैं कहीं भी जाऊं, हटिए मेरे मार्ग से। नारायण नारायण, राहुदेव मैं तो हट जाऊंगा आपके मार्ग से, किंतु जिसके भय से आप भागे जा रहे हैं वो आपके मार्ग से नहीं हटने वाले। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मुझे ज्ञान हो गया है कि आप कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और इतनी तीव्रता से कहां जा रहे हैं। राहुदेव मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि आपका सामना मारुति की गदा के साथ जो हुआ है, जस करनी तस भोग विधाता, आचरण एवं व्यवहार के अनुरूप ही तो प्राणी को फल प्राप्त होता है। राहुदेव मैं आपका आशय भलीभांति समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? नारायण नारायण, राहुदेव ये समय आशय अर्थ निकालने का नहीं है, ये समय अंजना पुत्र मारुति के निर्णय को देखने, सहने एवं भोगने का है। अतः मेरी मानिए, शीघ्र अति शीघ्र किसी की शरण ले लीजिए। कहाँ चल दिए राहुदेव, और तीव्र। नारायण नारायण,
किंतु जितना भी तीव्र भाग लीजिए आपका भागना निष्फल है, क्योंकि प्रभु मारुति ने जिस बाण के निर्माण का संकल्प लिया है उससे तीनों लोकों में आप कहीं नहीं छुप सकते राहुदेव। नारायण नारायण। ऋषि पत्नियां तो इन ऋषियों की पूजा इस प्रकार कर रही हैं, जैसे देवताओं की जाती है। एवं इस अर्चना की सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि ये उसी जल से इनकी पूजा कर रही हैं, जिस जल को इन्होंने विलाप करते हुए उस नदी से भरा था। देवी, आज आपकी इस पति भक्ति ने तो हमें देवता बना दिया, देवता बना दिया, बना दिया। आपके इस पति भक्ति के पूजा के प्रसाद स्वरूप हम आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। तुम्हारी पूजा से मैं भी अति प्रसन्न हूं देवी। मैं तुम्हारी पूजा का संपूर्ण फल आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करूंगा, आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करूंगा। हम अपने तपयोग से देवता हो चुके हैं ऋषि पत्नी। तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है कि तुम्हें हमारी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब से सदैव तुम सबका ये परम कर्तव्य हो जाता है कि तुम सब केवल हमारी ही पूजा करोगी, अन्य किसी देवी देवता की नहीं। केवल हमारी ही पूजा करोगी, अन्य किसी देवी देवता की नहीं। हम ही तुम्हारे पति, हम ही तुम्हारे परमेश्वर, हम ही तुम्हारे उद्धारक एवं कल्याण के कारक हैं। हमारी पत्नी होने के कारण तुम सबकी पूजा का फल एवं मोक्ष पर प्रथम अधिकार होगा। मुझे इन स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इस अनर्थ से इन्हें मुक्ति दिलानी होगी। ये पत्नियां हैं, इन ऋषियों की दासियां नहीं। अधिकारों का हरण तो अन्याय है। ये कैसे ऋषि हैं कि अपनी पत्नियों को इन्होंने अपनी दासियों का स्वरूप दे दिया है। मारुति, राहु को दंड देने हेतु तुम्हारे द्वारा बाण निर्माण के अनुष्ठान की समस्त व्यवस्था हो गई है। अब तुम विधि विधान के अनुसार अनुष्ठान आरंभ कर सकते हो। हे पंच तत्वो, मैं जगत कल्याण हेतु बजरंग बाण निर्माण के लिए उपस्थित हूँ। मैं आपसे इनके निर्माण की अनुमति चाहता हूँ। हे अग्निदेव, आपके बिना उपस्थिति के
कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता, अतः इस बाण निर्माण के कल्याणकारी एवं उत्तम कार्य की सफलता हेतु आप प्रकट हो। त्रिदेवो, सकल देवी देवताओं, हे गंधर्वो, आप सबको मैं साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि आज मैं विधि विधान के अनुसार बजरंग बाण का निर्माण करने जा रहा हूँ। जो निरंकुश राहु की क्रूर एवं विनाशकारी शक्तियों पर अंकुश लगाएगा। इससे पूर्व कि मैं राहु के त्रास एवं क्रूर संताप से जगत के कल्याण हेतु बजरंग बाण की रचना प्रारंभ करूं, हे त्रिदेवो, परमपिता सृष्टि निर्माता ब्रह्मदेव, पालनकर्ता विष्णुदेव तथा संहारकर्ता महादेव, पंच तत्वों के स्वामी पंचदेवो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रकट हो, क्योंकि बिना आप देवों की शक्तियां प्राप्त किए ना तो ये बाण प्रभावी होगा और ना ही मेरा उद्देश्य सफल होगा। अतः आप प्रकट हो देवों तथा राहु की प्रताड़ना से जगत के साधारण जन की रक्षा हेतु इस बाण को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करें। हे अंजनी पुत्र मारुति, अपने कल्याणकारी बाण का निर्माण प्रारंभ करें। शक्ति प्रदान करने हेतु कोटि कोटि प्रणाम देवो। नारायण नारायण। हे देवों, आज सृष्टि में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटित होने वाली है। अत्यंत कल्याणकारी घटना। आज बजरंग बाण का निर्माण होने जा रहा है, वो भी अतुल बलशाली अंजनी पुत्र श्री हनुमान के द्वारा। बजरंग बाण, बजरंग बाण, बजरंग बाण, बजरंग बाण, बजरंग बाण, बजरंग बाण, बजरंग बाण।
न केवल निरंकुश राहु की निरंकुशता पर अंकुश लगाएगा, अपितु आने वाले समय में साधारण लोगों को भी राहु की क्रूरता एवं त्रास से मुक्ति प्रदान करेगा। अनुष्ठान से रचित बजरंग बाण, मैंने आपका निर्माण राहु की निरंकुश एवं कुटिल शक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु किया है, क्योंकि नीच एवं पापी राहु ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर निरपराध एवं निर्दोषों को यातना एवं पीड़ा दी है। अतः उसे अपनी शक्तियां धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। हे बाण, जाइए एवं तीनों लोकों में राहु चाहे जहाँ भी छुपा हो उससे उसकी शक्तियाँ छीन लीजिए तथा उससे शक्तिहीन कर दीजिए। अंजना, तुम्हारा कथन उचित है, तुम्हारी उनके प्रति सहानुभूति भी उचित है, किंतु विवशता यह है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अन्याय के विरुद्ध कुछ भी करना अन्याय नहीं है। अंजना, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है। जिनके विरुद्ध तुम खड़े होने की बात कर रही हो और जिनका पक्ष ले रही हो, वो पति पत्नी है। पति पत्नी अवश्य है, किंतु इनके बीच जो समस्या है वो व्यक्तिगत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ, सार्थक एवं उत्तम विचारों पर अंकुश, बंधन अथवा प्रहार अत्याचार है। वो स्त्रियां शिव की भक्ति करना चाहती हैं, किंतु उनके पति उन्हें अपनी पूजा करने हेतु बाध्य कर रहे हैं। ये तो अन्याय है और हमें उन्हें न्याय दिलाना ही होगा। महाराज, इस संसार में सबको अपनी स्वतंत्रता से अपने आराध्य की उपासना करने का अधिकार है और किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को दासी बनाने का अधिकार नहीं है। और जो पुरुष ऐसा करता है वो पापी है, अधर्मी है। अंजना, देखो पुत्री, पहले तो ये कि हम सब स्वयं यहाँ अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से घिरे बैठे हैं पुत्री, तो मेरे विचार से तो हमें अपना पूरा ध्यान केवल अपने कार्य में लगाए रखना चाहिए। बस अब से सदैव तुम सब का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि तुम सब केवल हमारी ही पूजा करोगी, अन्य किसी देवी देवता की नहीं। और दूसरा ये कि इस समय हम अंजन प्रदेश की यात्रा में हैं पुत्री, सो पूरे मनोयोग से इसी यात्रा को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए और कुछ नहीं। आज आपकी इस पति भक्ति ने तो हमें देवता बना दिया। आपकी इस पति भक्ति के पूजा के प्रसाद स्वरूप हम आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। नहीं पिताश्री, मैं स्त्रियों पर इस प्रकार का अत्याचार होते देख आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जब किसी स्त्री को इस प्रकार की प्रताड़ना मिलती है तो उसके कोमल मन पे क्या बीतती है।
का अनुभव है मुझे। पिताश्री, पति प्रताड़ना का नाम नहीं है, पति तो प्रेम का नाम है, पूर्णता का नाम है। जिस पति में प्रेम है, पूर्णता है, जो पत्नी का पक्षधर है, वही परमेश्वर है, वही प्रशंसनीय है। जिस पति में प्रेम ना हो, संवेदना ना हो, वो परमेश्वर नहीं, बर्बर है। मुझे उन ऋषि पत्नियों को उनके पतियों की दास्ता से मुक्ति दिलानी ही होगी, जिससे वो अभय होकर अपने आराध्य देव महादेव की भक्ति कर सके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। मैं उन शिव भक्त स्त्रियों को दुखी देख आगे नहीं बढ़ सकती। क्षमा कीजिए मेरे इस निर्णय के लिए। अंजना, तुम्हारे विचार उत्तम हैं। सहमत हूं मैं तुम्हारे विचारों से। तो क्या? हाँ हाँ अंजना, हम तब तक यहां रुकेंगे जब तक कि ऋषि पत्नियों को उनका अधिकार नहीं दिला देते। राहु, हनुमान ने तुम्हें शक्तिहीन करने हेतु अपने अनुष्ठान के माध्यम से बाण छोड़ा है। अब क्या करोगे? कैसे बच पाओगे उस अचूक बाण से? केतु, संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो राहु को शक्तिहीन कर सके। मुझ में स्वयं इतनी शक्ति है, मैं अपनी शक्ति से उस बाणर द्वारा निर्मित बाण को नष्ट कर सकता हूँ। आने दो उसे मेरे निकट, देख कैसे नष्ट करता हूं मैं उस बाण को। राहु, मुझे तो तुम्हारी समस्त शक्तियां विफल होती दिख रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि तुम बच पाओगे उस प्रयुक्त बाण से। देखो राहु, वो बाण और अधिक निकट आ गया। केतु, कोई भी अस्त्र उसे भेद सकता है जो मूर्त एवं साकार रूप में हो, किंतु मैं तो छाया रूप में हूँ। केतु, छाया रूप में मैं उसे दिखाई ही नहीं दूंगा।
और जब मैं उसे दिखाई ही नहीं दूंगा तो भेदना तो दूर, वो मुझे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। राहु को कोई भी शक्तिहीन नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं भी देखता हूँ ये बाण कहाँ तक मेरा पीछा करता है। वानर बालक, तुम्हारे बाण को हार कर वापस लौटना ही होगा, लौटना ही होगा वापस। नारायण नारायण, राहु तुम कितने महामूर्ख हो, इतना कुछ होने के पश्चात भी तुम्हारी बुद्धि पर पड़े भ्रम और निर्लज्जता का जाल अब तक हटा नहीं। तुम श्री हनुमान की शक्ति को समझ नहीं पाए। राहु, श्री हनुमान भगवान शिव के रुद्रावतार हैं। तुम कितनी भी चेष्टा कर लो किंतु उनके प्रभाव से बच नहीं सकते। बजरंग बाण सुबाण न काहू, प्राण बचावत भागत राहू, प्राण बचावत भागत राहू। जल थल नभ जा भाग के जावे, बजरंग बाण तहां चली आवे। ओ बजरंग बाण तहां चली आवे, बजरंग बाण कहाँ चली आवे, बजरंग बाण कहाँ चली आवे। बजरंग बाण, बजरंग बाण, बजरंग बाण, बजरंग बाण, बजरंग बाण। मैं ऐसे स्थान पर स्वयं को छिपा लूंगा कि तुम सहस्र प्रयास के पश्चात भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। बाण, अभी तो तुम ना मेरी विशेषता को जानते हो और ना ही मेरी शक्ति को। मैं पाताल लोक चला जाता हूँ, ये वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। हनुमंत कपीसा शीशा, ओम चन 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 चपल चलंता। मारो, तारीख हो फिर कौन उबारो,
अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये बाण तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जहां जा रहा हूं वहीं आ रहा है। कैसे करूं इससे अपनी सुरक्षा, कैसे करूं? हाँ, ब्रह्मदेव के पास चलता हूं। मैं सभासद जो हूं ब्रह्मलोक का, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। हाँ, 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 राहु, तुम इस संसार में कहीं भी चले जाओ, मेरे इस निर्मित बाण से तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बाण में निहित शक्ति केवल अभी मंत्रित मंत्रों की शक्ति नहीं है, वरन इस बाण की शक्ति में मेरे माता पिता के कष्टों एवं यातनाओं से उपजी आप तथा भावनाओं की भी शक्ति सम्मिलित है। अतः आज यदि इस कार्य में तुम्हें बचाने हेतु किसी देवता ने पहल की, व्यवधान डालने का प्रयास भी किया तो, अथवा बाधा डालने की चेष्टा भी की तो, उस देवता को मारुति के पुत्र धर्म से टकराना होगा, टकराना होगा, टकराना होगा, टकराना होगा। रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। शांत रहो देव, शांत। अधीरता, व्याकुलता, भय देवों और देवतुल्य जीवों को शोभा नहीं देता। जब जीव का जीवन संकट में हो तो व्याकुल क्यों नहीं होगा, अधीर होगा ब्रह्मदेव और भयभीत भी होगा। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? ब्रह्मदेव, उस मारुति ने मेरा जीवन संकट में डाल दिया है। उसने ऐसे शक्ति बाण का निर्माण किया है जिसके प्रहार से मैं तीनों लोकों में कहीं भी छुप जाऊं बच नहीं सकता। इसीलिए चारों दिशाओं से भागकर आपकी शरण में आया हूं। आप ही मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए मेरी। राहु, मैं तुम्हारे जीवन पर आए संकट को समझ रहा हूं, पर मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा किस आधार पर करूं? मारुति के निर्दोष निर्मल माता पिता को अनेकों अनेक कष्ट दिए। उन्हें यातनाएं देकर तुमने जो अधर्म और अन्याय किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा राहु। ब्रह्मदेव, आप मेरे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि आपने भी मुझे देवताओं में वो पूर्ण स्थान नहीं दिया, केवल छलावा दिया है मुझे, छलावा। मस्तिष्क में जब तक भ्रम, भय और पूर्वाग्रह बैठा रहेगा तब तक तुम्हें सत्य की अनुभूति नहीं होगी राहु। और सत्य ये है कि तुम्हें देवित्व प्रदान करने हेतु ही मैंने तुम्हें अपना सभासद बनाया था। और सत्य तो ये भी है कि देवत्व प्रदान करने के बाद भी तुमने आसुरी प्रवृत्ति नहीं त्यागी। प्राणी जो कर्म करता है, चाहे वो कोई भी हो, देव, दानव अथवा मानव, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। बस बस, बहुत हो गया आपका उपदेश, बंद कीजिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक बात और सुन लीजिए ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं सुबानर मारुति के बाण से समाप्त नहीं हो जाऊंगा। राहु सक्षम है अपनी रक्षा करने में स्वयं, वो वानर मारुति किस भ्रम में जी रहा है वो आप भी देखिए, मैं कैसे उसको चकनाचूर कर देता हूँ, देखते रहिए आप। हमारी दृष्टि से छुपकर शिव की पूजा करती हो, कहो इस स्त्री से कि तुम लोग केवल और केवल हमारी पूजा करती हो। उस पवन पुत्र मारुति ने अपनी शक्ति से मेरे अस्तित्व को समाप्त करने हेतु एक ऐसे बाण का निर्माण किया है जो मुझे समाप्त करने हेतु यहाँ आ रहा है। मूर्ख स्त्रियों, अब तुम्हारी भक्ति और जीवन दोनों का अंत आ गया है। जय जय